एलआईसी की तरफ से आप लोगों के लिए फ्री रिन्यूएबल ऑनलाइन स्कॉलरशिप निकाली गई है। रिन्यूएबल स्कॉलरशिप का मतलब ये है, मान लो 3 साल की अगर आप डिग्री कर रहे हो, इस साल आप अप्लाई करते हो और आपका सिलेक्शन होता है, तो हर साल आप लोगों को ये ऑनलाइन स्कॉलरशिप फ्री में मिलने वाली है। इस स्कॉलरशिप के आप लिए आप लोगों को कोई एग्जाम नहीं देना, कोई भी फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, बस एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। आपके मार्क्स, प्रीवियस मार्क्स के बेसिस पे ये स्कॉलरशिप बच्चों को मिलती है। वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप इसे मैं कह सकता हूँ, जिसके बारे में आज इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अपडेट के लिए। तो इस स्कॉलरशिप की नोटिफिकेशन लिंक आप लोगों को वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये जो स्कॉलरशिप आप लोग को बड़ी फॉर स्टडी ऑनलाइन स्कॉलरशिप पोर्टल पर देखने को मिल जाएगी। ये जो स्कॉलरशिप है इसमें आपको अप टू 25,000 रुपीज पर ईयर आप लोग अर्न कर सकते हो, इवन उससे भी ज्यादा कर सकते हो। अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में स्कॉलरशिप में क्या-क्या बेनिफिट आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो ये जो स्कॉलरशिप आप लोगों को एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड इस ब्रांड की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है। इस स्कॉलरशिप में 3 टाइप से स्कॉलरशिप को डिवाइड किया गया है। एक जो स्कॉलरशिप है वो क्लास 10th पास स्टूडेंट के लिए, एक जो स्कॉलरशिप है ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट के लिए, और एक जो स्कॉलरशिप है वो पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप मास्टर डिग्री कर रहे हो तो आपके लिए। इन तीनों स्कॉलरशिप में कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कौन सी स्कॉलरशिप के लिए आपके लिए बेस्ट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एलआईसी एचएफएल विद्याधन स्कॉलरशिप फॉर क्लास 10th पास स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने मान लो क्लास 10th पास किए 2023 में, 11th क्लास में आपने एडमिशन लिया है, तो आप लोग इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। जो स्टूडेंट अभी 11th क्लास में किसी भी कॉलेज में इंडिया में पढ़ रहे हैं वो एलिजिबल हैं स्कॉलरशिप के लिए। मिनिमम आपके 10th क्लास में 60% मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3,60,000 रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए ऑल सोर्सेज से। बाकी यहाँ पे जो प्रेफरेंस है वो गर्ल्स स्टूडेंट को मिलेगी, बाकी बॉयज एंड गर्ल्स अप्लाई दोनों कर सकते हैं। और इस स्कॉलरशिप में जिन स्टूडेंट्स के पास डिसेबिलिटी है उनको अलग से प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर ऐसे कोई स्टूडेंट जो कि अपने पेरेंट्स को लॉस्ट कर चुके हैं, वन पेरेंट्स को लॉस्ट कर चुके हैं, उनको ज्यादा प्रेफरेंस स्कॉलरशिप में मिलने वाली है। बाकी अगर गर्ल्स स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं करते हैं, ऐसे स्टूडेंट भी अप्लाई नहीं करते हैं, तो डायरेक्ट जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस मिलने वाली है इस स्कॉलरशिप में। बेनिफिट्स की बात करें तो 15,000 रुपीज पर ईयर यहां पे मिलेंगे अप टू 2 साल तक। देखो 11th क्लास में भी आपको यहाँ पे 15,000 रुपए मिलेंगे, और 12th क्लास जब आप करोगे तो 12th में भी आपको मिलेंगे, जिसमें मैंने बताया ये रिन्यूएबल स्कॉलरशिप है। एक बार सिलेक्शन होता है तो 2 साल तक आप लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप में फायदा मिलने वाला है। बाकी देखो अगर आप लोग अभी 11th 12th क्लास में पढ़ रहे हो और इस टाइम पे आप लोग IIT JEE एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो, तो वन ऑफ द बेस्ट ऑफर भी आप लोगों के लिए रन कर रहा है PW फिजिक्स वाला। उनके प्रीमियम जो IIT JEE प्रिपरेशन कोर्सेज है उन पे अभी डिस्काउंट चल रहा है, जो कि 12 सितंबर को ही ओवर होने वाला है। इनके बैचेस चेक कर सकते हो, अर्जुना जेई जो कि क्लास 11th वाले स्टूडेंट के लिए ओनली 3,000 रुपीज में आपको ऑफर कर रहे हैं। क्लास 12th वाले बच्चों के लिए लक्ष्य जेई 3,000 रुपए में ऑफर कर रहे हैं। ड्रॉपर बैच भी है, प्रयास बैच 2,800 में आप लोगों को ऑफर किया जा रहा है। इन बैचेस पे एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट, आप लोग TM150 ये कूपन कोड लगाते हो तो एक्स्ट्रा 150 रुपीज का आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी इन बैचेस में आप लोगों को कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लासेस होते हैं, डाउट सेशन आप लोगों के लिए जाते हैं, प्रिपरेशन आप लोगों की फुल फ्लेज की जाती है इन बैचेस में। इसके अलावा यहाँ पे अलग से पॉकेट कोर्सेज भी हैं, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, जैसे मोल कॉन्सेप्ट ये चैप्टर आप पढ़ना चाहते हो, ओनली 49 रुपीज में आप प्रिपेयर कर सकते हो। इसी टाइप से बेसिक का भी एक प्रिपरेशन पॉकेट कोर्स है, वो भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो ये पॉकेट कोर्सेज भी काफी बेनिफिशियल। बाकी जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए PW की एक्सक्लूसिव बुक्स भी हैं, इन बुक्स से आप लोग प्रिपरेशन भी कर सकते हो। चैप्टर वाइज जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं इस टाइप के, आप लोगों को PW की एक्सक्लूसिव बुक मिल जाएंगी हर एक सब्जेक्ट की, फिजिक्स की, मैथ की, तो इन बुक्स से भी आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो। इनके लिंक भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं जो बच्चे LIC की ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने की सोच रहे हैं उनको क्या करना होगा और नेक्स्ट कौन सी टारगेट कैटेगरी है। तो जो सेकंड कैटेगरी है स्कॉलरशिप की वो है ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट। इस टाइम आप लोगों ने ग्रेजुएशन की कोई भी डिग्री में इनरोल्ड हो, इस टाइम फर्स्ट ईयर आपका चल रहा है, तो आप अप्लाई कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। 3 ईयर की ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी स्ट्रीम, चाहे आपकी डिग्री कोई भी हो, 3 साल की अगर आपकी डिग्री कर रहे हो किसी भी कॉलेज में इंडिया में, तो आप लोग इस वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम 60% आप लोगों के 12th में मार्क्स होनी चाहिए स्कॉलरशिप के लिए, और आपकी जो फैमिली इनकम है वो 3,60,000 से कम ही होनी चाहिए। बाकी सेम प्रेफरेंस वगैरह है, इस स्कॉलरशिप में आप लोगों को 25,000 रुपीज पर ईयर मिलेंगे 3 साल तक, यानी टोटल हम देखें 75,000 रुपीज का बेनिफिट आपको मिलेगा इस वाली स्कॉलरशिप में। और लास्ट जो स्कॉलरशिप है वो है पोस्ट ग्रेजुएशन की स्कॉलरशिप। यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट इनरोल इन फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम। अगर आप अभी मास्टर डिग्री कर रहे हो, जैसे एमटेक कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, एमसीए कर रहे हो, और फर्स्ट ईयर में हो इस टाइम पे, तो आप लोग इस वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो। 60% मार्क्स चाहिए और सेम टर्म्स एंड कंडीशन है, 20,000 रुपए पर ईयर मिलेंगे अप टू 2 साल तक आप लोग को मिलेंगे एक बार अगर आपका सिलेक्शन होता है। तो इस टाइप की स्कॉलरशिप है। बाकी मान लो अगर आप लोग सेकंड ईयर में हो, या फिर 12th क्लास में पढ़ रहे हो, या थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, इस टाइप से अगर आप लोग दूसरे
फर्स्ट ईयर में इस टाइम पे नहीं हो, तो आपको एक और मैं चीज बता देता हूँ। कलम ने एक वीडियो बनाई थी आदित्य बिरला की स्कॉलरशिप, ये वाली वीडियो देख लो भाई, जो सेकंड थर्ड ईयर वाले बच्चे जो एलिजिबल नहीं है एलआईसी वाली स्कॉलरशिप के लिए, वो आदित्य स्कॉलरशिप में अप्लाई कर दो। बाकी जिन बच्चों ने आदित्य में अप्लाई किया वो भी एलआईसी में अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप जितनी मर्जी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहो कर सकते हो। बाकी सिलेक्शन के बाद आप लोग को एक दो एक स्कॉलरशिप मिलती है, बट सिलेक्शन आप अप्लाई कितनी भी मर्जी में कर सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं होगा आप लोगों को। तो ये वाली जो स्कॉलरशिप थी, अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें किस तरीके से आप लोगों का एलआईसी की स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होगा, तो पहले तो आप लोगों का जो मार्क्स होंगे मेरिट के बेसिस पे सिलेक्शन होगा, 60% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद आपकी फाइनेंशियल नीड देखी जाएंगी, कितनी आपको स्कॉलरशिप की जरूरत है। उसके बाद आपकी क्राइसिस सिचुएशन देखी जाएंगी कि आपको कितनी ज्यादा नीड है स्कॉलरशिप की। बाकी गर्ल्स चाइल्ड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी इस वाली स्कॉलरशिप में, जो कि आदित्य बिरला वाली स्कॉलरशिप में ऐसा नहीं था। दूसरा, अगर आप लोग अभी 12th में पढ़ रहे हो तो अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। अगर आप 12th में पढ़ रहे हो या फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो आदित्य वाली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। इस स्कॉलरशिप में आपको सब्सिक्वेंट ईयर्स के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो जैसे मैंने बताया ये रिन्यूएबल स्कॉलरशिप है। एक बार इस स्कॉलरशिप में मान लो 11th क्लास में सिलेक्शन हो गया तो 12th में भी आपको सेम स्कॉलरशिप मिलेगी। ये कुछ कंडीशन है कि आप लोगों की एजुकेशन कंटिन्यू होनी चाहिए और आपकी परफॉर्मेंस भी 60% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में भी, 11th क्लास के रिजल्ट में भी, तब आप लोग को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। बाकी कोई डाउट है आप लोग इनकी वेबसाइट देखो। अगर हम रिजल्ट की बात करें तो इनकी वेबसाइट पे आप लोगों को रिजल्ट सेक्शन दिखाई देगा, जब स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पे रिजल्ट सेक्शन आप लोगों को दिखाई देता है। बहुत बच्चों को इश्यू होता है स्कॉलरशिप का रिजल्ट कैसे हमें पता चलेगा, आपकी जो मेल आईडी है और जो मोबाइल नंबर दोगे वहां पे आपको पता चल जाएगा अगर आप लोगों का इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्शन होता है तो। अब बात करें, अगर हम बात करें कि कैसे आप लोगों को स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई देखो मोबाइल फोन से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी कर सकते हो। जस्ट आप लोगों को अप्लाई ना होगा बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। कुछ बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए, तो इन क्वेश्चन के आप लोग ऑनेस्टी से आंसर करिएगा। चेक योर एलिजिबिलिटी पे आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को दिखाई देगा यू आर एलिजिबल और नॉट। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, इस तरीके का दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म आप लोगों को फिल करना है, यही एप्लीकेशन फॉर्म है जिसके बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होगा। लास्ट डेट की बात करें स्कॉलरशिप की तो 30 सितंबर है, बाकी डेट एक्सटेंड होती रहती है इस टाइप की स्कॉलरशिप की। जब भी आप वीडियो देखें एक बार प्लेटफॉर्म पे आके चेक जरूर करना कि इसकी एक्सटेंड हुई है या नहीं हुई है लास्ट डेट। तो यहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन, आपको अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल कि आपके 10th 12th और ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं वो ऐड कर सकते हो आप लोग। उसके बाद फैमिली मेंबर्स, जो आपके अर्निंग फैमिली मेंबर्स हैं उनकी डिटेल आपको ऐड करनी है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स ऐड करने होंगे। देखोगे तीनों ऑप्शन आपके जब कंप्लीट हो जाए तब डॉक्यूमेंट का सेक्शन आएगा। यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के कुछ फोटोग्राफ ऐड करने होंगे, जो कि 1 MB से साइज ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज आप लोग देख लीजिएगा। आपको अपनी बैंक डिटेल ऐड करनी है उसके बाद, और उसके बाद मोर अबाउट योरसेल्फ, अगर आपके खुद का बैंक नहीं है पेरेंट्स की बैंक डिटेल ऐड कर सकते हो। मोर अबाउट योरसेल्फ है कुछ बेसिक से क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। इन क्वेश्चन इन टिक राइट पे टिक कर देना है और प्रीव्यू पे क्लिक करके लास्ट में सबमिट ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। अगर आपका रिजल्ट सक्सेसफुल आता है तो आप लोगों की जो मेल आईडी और मोबाइल नंबर है उस पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आप लोगों का इस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस स्कॉलरशिप का फायदा लेना है। इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।